जी कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं <coughs> ओके जी आ, एक मुख्तर तारुफ मैं करा देता हूँ अपना सलमान हसन नाम है मेरा ये तो आपको पता ही होगा और इतना ही पता और भी कुछ पता जे इतना इतना ही पता है कि और भी कुछ पता है अच्छा। क्या हुआ अच्छा। ए सी हाँ वो भी किया हुआ ठीक है वो बस ठीक जी बिल्कुल सी uh, ए जी सी ए का मेम्बर हूँ फोटीन से और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ यूके से सिक्सटीन uh, में वो किया था के पी एम जी लाहौर के मेरे आर्टिकल्स हैं और uh, एक फॉर्म है मेरी अपनी जिसमें मैं टैक्स और एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह दे रहा हूँ पिछले को तीन चार साल से uh, टैक्स पढ़ाते हुए कोई चार चार साल हो गए चार पाँच साल हो गए मुझे तकरीबन और uh, कोई चालीस के करीब बैचेज़ जो है वो पढ़ा चुका हूँ तो शायद आपका इकतालीसवा होगा बयालीसवां होगा अठतीसवां होगा कोई इतना बैच होगा आपका जिसको मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है जी शुरू करते हैं आ, आपको पहले सिलेबस के बारे में बता दूँ अब मैं बता दूँ किस तरीके से पढ़ना है क्या हिसाब किताब रहेगा पूरे सेशन में वो डिस्कस कर लेते हैं जी सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं जी तीन हिस्सों में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया जी पहली चीज़ है आपके सिलेबस में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दूसरे नंबर पे है जी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और तीसरा समझ लें कि एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इस तरह का चैप्टर है लेकिन वो जब आपकी किताब आएगी तो आपकी किताब में ना वो पहले तीन चैप्टर्स होंगे तो इसलिए मैं इसको ना फर्स्ट थ्री चैप्टर्स ही लिख रहा हूँ यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं इट इज़ एथिक्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स एटसेट्रा ठीक होगी बात जो वेटेज बताई गई है भाई वो वेटेज ये है कि इसमें से तकरीबन सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव मार्क्स का पेपर आता है इसमें से तकरीबन बीस से तीस मार्क्स का पेपर आता है और यहां पर से पाँच से दस मार्क्स का पेपर आता है ठीक है जी तो तीन हिस्से हैं जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ एक और चीज होती है जी इनकम टैक्स रूल्स 2002 और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के साथ एक चीज होती है सेल्स टैक्स रूल्स 2006 ओके और ओके बात ये चीजें क्या है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको पता है टैक्स एक कानून है ठीक है जी लॉ है कानून है जहाँ तक बात है जी ऑर्डिनेंस की तो ऑर्डिनेंस एक मेन कानून है और मेन कानून के अंदर ना एक्सप्लेनेशंस नहीं होती बस एक उसने मुख्तर सी बात की होती है जो कन्फ्यूजनस और एक्सपेनेशन होती हैं वो जाके रूल्स में बताई होती हैं उसमें ठीक है तो इन एक रूल हम एक दो दिन में ही पढ़ लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से कानून ड्राफ्ट होता है और किस तरीके से उसके अंदर रूल्स जो हैं उनकी ज़रूरत पेश आती है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कानून होगा और जहाँ जहाँ कॉम्प्लिकेशन होंगी डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो सारी एक्सप्लेनेशन हम रूल्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे ठीक होगी बात इसी तरीके से सेल्स टैक्स एक्ट एक कानून है और रूल्स के अंदर उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है या प्रोसीजर्स दिए गए हैं ओके बात ऑर्डिनेंस और एक्ट इसमें फर्क क्या है मैं सर नॉलेज के लिए बता रहा हूं ऑर्डिनेंस वो होता है जो कि पार्लियामेंट से अप्रूव पहले नहीं होता उसको सदर इशू करता है प्रेसिडेंट की जानब से वो इशू किया जाता है 120 दिन तक वो वैलिड होता है और 120 दिन के अंदर अंदर आपने उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होता है ठीक है पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद उसको एक्ट नहीं कह दिया जाता रहता वो ऑर्डिनेंस ही है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सदर की तरफ से इशू हुआ होगा और पार्लियामेंट से वो बाद में अप्रूव हुआ होगा लेकिन उसको एक्ट नहीं कहा जाता उसको ऑर्डिनेंस ही बोला जाता है इसके बरख जो कानून सदर इशू ना करें बल्कि पार्लियामेंट ही उसको बनाए पार्लियामेंट इशू करे उसको एक्ट कहा जाता है तो शायद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सदर की तरफ से आया था और ये एक्ट सेल्स टैक्स का ये पार्लियामेंट ने बनाया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 2001 में आया था जी कौन थे उस वक्त हमारे सरबरा साहब बोलते हैं साहब ठीक है खाली ना बोला करें मुशरफ साहब थे उस वक्त ठीक है तो मुशरफ साहब शायद हमारे सदर थे या जो भी थे उनकी तरफ से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इशू हुआ होगा और दूसरी तरफ से कौन था उस वक्त नाइनटीन नाइनटी में कौन थे उस वक्त जी हुकूमत में जी बताइए नहीं नहीं हक साहब तो नहीं थे बेनज़ीर साहेबा या नवाज शरीफ साहब इन दोनों में से कोई एक थे नहीं नवाज शरीफ साहब नहीं थे बहरहाल दोनों में से बे नजीर साहबा थी बे नजीर साहिबा थी तो शायद उनके दौर में ये पार्लियामेंट से बना होगा तो सेल्स टैक्स एक्ट कहलाया गया होगा ठीक है तो ये दो हिस्से हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस समुंदर है जी ये लेकिन ये सारा समुंदर आपके कोर्स में नहीं है इसका कुछ हिस्सा पानी का आपके कोर्स में तो पूरा लॉ आपके कोर्स में नहीं है इसी तरीके से रूल्स तो बिल्कुल ही पाँच छः रूल्स हैं जो कि आपके कोर्स में है तो ये सारा कानून आपने नहीं पढ़ना चंद चीजें हैं जो कि हम पढ़ने होंगे और वो चंद चीजें पढ़ते पढ़ते भी हमें सौ एक सौ पाँच दिन लगी जाएंगे ओके सेल्स टैक्स एक्ट ये भी सारा आपके कोर्स में नहीं है कुछ चीदा चीदा चीजें आपके कोर्स में हैं बाकी तमाम चीजें आपके कोर्स में नहीं है पहले तीन चैप्टर्स ये तो वैसे थ्यूरी है ठीक होगी बात तो ये तीनों चीजें मिला के सौ नंबर का पेपर जो है वो आपको आएगा इस सौ में से गिबा पचपन से साठ मार्क्स का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होगा इसमें से तकरीबन तीस मार्क्स का सेल्स टैक्स एक्ट होगा और इसमें से तकरीबन दस मार्क्स के पहले तीन चैप्टर्स होंगे अब आपको बताता हूँ एक तरीका लेकिन ये तरीका जो है ना ये आपकी मोटिवेशन के लिए है ये तरीका इसको किसी और तरफ मत लेके जाइएगा और मुझे बता है आप लोग उस तरफ लेके जाएंगे इसमें से दस मार्क्स आते ही आते हैं आठ से दस मार्क्स आते हैं और अगर इन तीन चैप्टर्स को टोटल किया जाए तो गालिबा ऊपर नीचे हो सकते हैं मेरे ख्याल में पहले चैप्टर के शायद कोई पांच सफे हैं दूसरे चैप्टर के गालिबन कोई सात सफ़े हैं या आठ होंगे कोई एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है और तीसरे चैप्टर के कुछ छह सफे हैं टोटल कितने बने सात जमा पांच बारह तकरीबन अठारह सफ़े ये बनते हैं चलें बीस कर लें बीस कर लें राउंड ऑफ करके बीस कर लें इधर आइए इसके सिर्फ दो चैप्टर्स हैं जो कि आपकी किताब के अंदर है बहुत ही कोई मैं खींच के लगाऊं तो शायद शायद कोई पैंतीस सफ़े बन जाएंगे पैंतीस जमा बीस पचपन सफ़े आपकी किताब जो इंशाल्लाह आएगी वो किताब होगी कितने सफ़ होगी कितने सफ़ो की जी चार सौ सफ़े चार सौ चार सौ सफ़े एक चार सौ सफ़े दो पाँच भाई ने नई किताब रखी हुई है पुरानी किताब है लेकिन ये चेंज हो गया सर लॉ काफी चेंज हो गया पाँच सौ पचास पेजेस एग्जैक्ट दस परसेंट एग्जैक्ट दस परसेंट सेल्स टैक्स और पहले तीन चैप्टर है बाकी नब्बे प्रतिशत इनकम टैक्स ऐसे ही है आपके सामने किताब मौजूद है अगर आप चाहें तो आप पांच सौ पचास क्लास को दिखा सकते हैं ताकि सबको यकीन आ जाए कि साढ़े पांच सौ सवो की ये है। ये ओके यकीन है जी ओके अब गौर कीजिए अगर आप ये पचपन सफे अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो कितने मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं तीस दस चालीस ओके okay. अगर ये पचपन सफ़े अच्छे तरीके से कर लिए जाए गलती की कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए तो इस चालीस में से पैंतीस नंबर तो आप ले ही सकते हैं इतना तो मुझे आप पे यकीन है आपको भी खुद पर होना चाहिए ओके okay. बाकी फिर साठ में से कोई पंद्रह नंबर लेना कोई मेरे ख्याल में कोई मुश्किल बात तो नहीं है समझ रहे तो बात समझ आ रही है तो मेरे ख्याल में शायद कैफ में जो आसान तरीन पेपर पास करना है वो ये वाला है ठीक है थोड़ी सी जरा ना बस स्मार्ट स्टडी चाहिए अच्छा इस स्मार्ट स्टडी को ना उस राम लेके जाइएगा सर ये तो आपने मसला ही हल कर दिया हम बस ये दो करेंगे इसको ना बस थोड़ा 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 कहीं कहीं से उठा के कर लेंगे नहीं करना है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इसमें से तीस ही देगा वो इसको बाईस पे भी ला सकता है इसको आठ पे भी, भी ला सकता है जैसे उसने पिछले अटैम्प्ट में कर दिया उसने इन दोनों में से बत्तीस मार्क्स का पूछा सिर्फ तो जिन लोगों ने ये हरकतें की होंगी वो बेचारे तो बस फिर आपको पता ओके तो इसलिए यह आपको जस्ट एक मोटिवेशन के लिए था कि आपने इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होगा इस पर भी फोकस करना है लेकिन इसको इस तरीके से फोकस करना है कि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे ओके और इसको तो आपने करना ही करना है ठीक होगी बात तो ये बेसिकली आपका एक छोटा सा कोर्स था किसी का यहाँ तो कोई सवाल हो तो पूछ सकता है चाहे तो नहीं ना बीते आप लोग चले जी लेट स्टार्ट हैंड सबके पास मौजूद है किसी के पास हैंड मौजूद ना हो सर वो तो पीछे पड़े जरा आप थोड़ी सी मुझे भी बल्कि दो तीन हैंडआउट्स दे, दे दें आप एक आप रख लीजिए आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने पहले टेक्स पढ़ा हो एनी वन ऑफ यू किसी ने पहले टेक्स्ट पढ़ा हो शर्मिंदगी की वजह से ना बत, बता चुप मत रहिएगा बता दें उसके लिए कोई काम की बातें दो चार कर दूंगा मैं नहीं नहीं, नहीं क्लासेस में तो इतना कुछ हुआ ही नहीं उसमें तो तारुफ ही हुआ होगा ठीक है तो कैरी क्यों नहीं किया पेपर ज़्यादा हो गए थे ओके फॉर्मली शुरू करने से पहले कोई तीन चार बातें हैं जी जो आपके साथ करनी है पेपर आपका हंड्रेड मार्क्स का है जी ठीक है इस हंड्रेड मार्क्स में से तकरीबन तकरीबन फिफ्टी परसेंट नूमेरिकल है और फिफ्टी परसेंट आपकी थ्योरी है लेकिन आपको पता है क्या बादशाह है वो इसको वायलेट करने में जरा सी भी झिझक महसूस नहीं करता और उसने बिल्कुल वायलेट किया जी गालिबा इस दफ़ा वो सिक्सटी सेवन पे इसको ले गया और थर्टी थ्री पे इसको ले आया तो इसलिए ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिफ्टी फिफ्टी ये है मार्क्स ये है ये ठीक है ये सुनने के लिए देखने के लिए अच्छी हैं लेकिन मैंटली तौर पर किसी भी सिचुएशन के लिए आपने तैयार रहना है अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं सर नुमेरिकल हो गया थ्यूरी नहीं हुई या थ्य हो गई नुमेरिकल नहीं हुआ क्या मतलब है इसका क्या मतलब है इसका थ्यूरी हो गई नुमेरिकल नहीं हुआ नुमेकल हो गया थ्यूरी नहीं हुई कोई लिंक है दोनों चीज़ों का आपस में क्या दोनों इंडिपेंडेंट चीज़ें बताइए देखिए एक बात याद रखिएगा ये आप पढ़ने लगे हैं कानून कानून में या तो होता है या नहीं होता ये बीच वाली बात कोई नहीं होती लाल बत्ती पे या तो रुकना है या नहीं रुकना बात खत्म अब अगर आप मेरे से पूछेंगे लाल बत्ती पे क्यों रुकना है तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि कानून में लिखा यहाँ पर कोशिश मैं ज़रूर करूंगा आपको बताने की कि ऐसा क्यों है लेकिन हर दफ़ा वो मेरे भी नहीं होगा मुझे एक्सप्लेन करने की मेरे पास कोई ऐसी लॉजिक नहीं होगी बहरहाल ऐसा है तो ऐसा है ठीक होगी बात अब सवाल ये है कि थ्योरी और न्यूमेरिकल uh, का क्या आपस में ताल्लुक है देखें जब मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ ना तो टैक्स वट इज़ टैक्स टैक्स वो होता है जो आपने पे करना होता है हुकूमत को इतना तो सबको पता है कोई ना कोई फिगर कैलकुलेट तो किसी ना किसी तरीके से होती होगी कि ऐसी हवा में बस आज दिल कर रहा है इस दफ़ा आप पाँच लाख दे दें ऐसे तो नहीं होता कोई ना कोई कैलकुलेशन लाजमी होती होगी वो कैलकुलेशन के पीछे कुछ ना कुछ कवानी होते होंगे और वो कवानी रिटर्न फॉर्म में होते हैं वो थ्योरी की फॉर्म में होते हैं इसका मतलब है कि थ्योरी जो है वो कानून है और इसी थ्योरी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होना है तो ये जो कोई कहे सर आता है थ्योरी नहीं आती उस ये जी भी लॉजिकल बात है और भाई न्यूमेरिकल अगर आता है आपको तो थ्योरी आती है तो न्यूमेरिकल आता है ना आपको पता है कानून में ये लिखा हुआ है तो ही कैलकुलेट करोगे ना उसके बगैर तो नहीं कर सकते तो ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि वो स्टूडेंट कहते हैं कि जी न्यूमेरिकल आता है थ्योरी नहीं आती इसका मतलब क्या है इसका मतलब मैं बताता हूं क्या है वो ये कहता है सर थ्योरी मुझे याद नहीं है एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद नहीं है ये मतलब होता है इसका तो अगर कोई कहे जी न्यूमेरिकल आता है थ्योरी नहीं आती मतलब ये है कि वर्ड टू वर्ड नहीं आती ओके अब इसका हल क्या है क्या आप पेपर में वर्ड टू वर्ड लिखना है कोशिश यही करनी है या आपके सामने जो एक सफ़ा है या इन भाई साहब के पास जो किताब है जो इन अगले हफ्ते आपके पास भी होगी ये किताब आपने याद करनी है कानून है मर्जी से तो लिख नहीं सकते तो याद करनी है ये इसका एक समल है कि एक डार्क एरिया है ये करनी पड़ेगी आपको पाँच सौ सफ़े हैं चार सौ सफ़े हैं जितने भी हैं ये याद करने हैं इनको रटा लगाना है समझा मैं दूंगा आसानी मैं कर दूंगा आपके लिए तर्जमा मैं कर दूंगा आपके लिए याद आपने करना है वो आप ही कर सकते हैं लेकिन नुमेरिकल नुमेरिकल स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है नुमेरिकल करने के लिए अगर आपको कानून उर्दू में भी याद होना तो नोमेरिकल हो जाएगा समझ आई बात की उर्दू में आपको कानून याद है अगर ऐसा ऐसा हो जाए ना तो ऐसा ऐसा करना होता है तो नोमेरिकल में तो कर देंगे आप वैसे नुमेरिकल में कौन सी अंग्रेजी लिखनी होती है तो उर्दू में कानून अगर आप कर लेते हैं पूरा कानून तो ये एरिया तो आपका कवर हो गया मानते हैं इस बात को तो पहली कोशिश जिन लोगों को याद करने में मसला होता है पहली कोशिश ये करनी है कि उर्दू में कानून याद कर ले सारा यार ऐसा 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 होगा ना तो ऐसे कर लेंगे ऐसा ऐसे ऐसे होगा ना तो ऐसे कर लेंगे यूं करना होगा ना तो ऐसे हो जाएगा ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा ये काम मुश्किल नहीं है अगर ये काम हो गया तो ये तो आपका सारा एरिया कवर हो गया नोमरिकल तो आप कर लेंगे इसका क्या करेंगे कोशिश करें उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने की खुद से कोई पचास साठ परसेंट तो करीब करीब पहुंच ही जाएंगे बाकी की बीस तीस परसेंट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो कर ली जाएगा तो आपका ये एरिया भी ना कवर हो जाएगा तो इसलिए जिन लोगों को अंग्रेज़ी याद करने में मुश्किल है या रट्टा लगाने में मसला होता है वो इस चैनल से आ सकते हैं वो उर्दू में एक दफ़ा याद कर लें उर्दू में जब कानून याद हो जाएगा ना तो फिर आसानी होगी ये एरिया तो ऑटोमेटिकली कवर हो गया इसकी टेंशन ख़त्म हो गई और दूसरी तरफ थ्योरी जो है उसको तर्जमा करके उस तरफ आने की कोशिश करें और मुझे पूरी उम्मीद है इतनी अंग्रेज़ी तो आप लोगों की मुनासिब होगी कि कम अज़ कम पचास साठ परसेंट आप सेम ही लिख देंगे जो किताब आपकी आपके सामने है ना ये भी एग्जैक्ट कानून के अल्फाज नहीं है ये भी आसान करके थोड़ा सा तड़ोड़ मड़ोड़ के लिखा गया ताकि आपके लिए आसानी हो आई कैप अपने सामने ओरिजिनल कानून रखता है वो ये किताब नहीं रखता उसके लिए ये किताब स्टैंडर्ड नहीं है ये बात जेहन में रखिएगा आप उसके सामने ये किताब के अल्फाज लिख दें कोई दूसरी किताब के अल्फाज लिख दें या थोड़ा बहुत अपना मिर्च मसाला लगा दें मिर्च मसाले से मुराद ये नहीं कि अपना कानून ठोक दें बीच में मिर्च मरह से हम उरा थोड़ी सी वर्ड इधर उधर कर दें तो उसके लिए तमाम चीज़ें नई हैं वो कानून नहीं लिख रहे है आप ये नई चीज़ें लिख रहे हैं तो उसके लिए तो सेम है क्या ख्याल है तो इसी कोशिश ये करनी है कि आप कम अज कम उर्दू में तो कानून याद करें ना कि नोमेरिकल हो जाए और थ्यूरी के करीब करीब आप पहुँच जाए यूँ आप आसानी से पहुँच जाएंगे आपका ये मसला हल हो जाएगा ठीक हो गई बात अगली बात नुमेरिकल का फॉर्मेट है इस किताब के अंदर नुमेरिकल का फॉर्मेट है उसकी परेशानी नहीं है वो आपका मसला हल होगा नोमेरिकल करना कैसे है वो सारी बातें आपको इसके अंदर बताऊंगी अगली बात स्टूडेंट ये पूछते हैं <coughs> ये बात मैंने कॉस्ट में भी बताई दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपके काम आएगी नोमेरिकल जब आप कर रहे होते हैं ना तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है डेढ़ दो सफों में अक्सर का तो यह बोर्ड भर जाएगा और हमारा नोमेरिकल पूरा नहीं होगा मुझे मिटा के करना पड़ेगा इतना लंबा नोमेरिकल्स इसका चला जाता है तो नोमेरिकल के अंदर अक्सर वात ऐसे होती है कि शुरू में कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से एंड तक सब कुछ फारक हो जाता है पूरा सवाल ऐसे होता बताइए क्या पूरे सवाल पे क्रॉस लगेगा फिर सर फॉर्मेट सही होगा लेकिन सवाल मेरा यह है कि अगर आपने शुरू में गलती कर दी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सबने पढ़ी हुई है ना आपने ऊपर सेल्स ही गलत लिख दी ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट गलत आएगा नेट प्रॉफिट भी गलत आएगा फिर जो अमाउंट आपने उठा के बैलेंस शीट में लेके जानी है कैपिटल में ऐड करनी है वो भी गलत आएगा सारा गलत हो गया तहस नहस मच गई सवाल की बताइए क्या होगा आई कैप एक गलती का एक दफा ही मार्क्स काटता है अच्छा ऐसा होता है जी बताइए जी बताइए क्या क्या तासुरात है इस बारे में आपके सारे सवाल को अच्छा सेल गलत चलो जी वक्त बच गया ठक फॉर्मेट से या फॉर्मेट का नंबर देगा यूँ तो सब लोग फॉर्मेट याद करके पेपर में चले जाएँ वो नंबर देता रहेगा सबको सब पास हो जाएंगे फॉर्मेट ही आता है बस बाकी तो कुछ आता नहीं है कैसा हो सकता है आई कैप कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है सेल ही गलत है कॉन्सेप्ट ही फारो हो गया गलत है सब कुछ ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत है नेट प्रॉफिट भी गलत है बैलेंस शीट भी गलत है जी ये भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं अगर आपकी सेल गलत है ना लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ठीक है कॉस्ट ऑफ सेल के पूरे नंबर है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट गलत है गलत है ना सेल जो गलत है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत है ग्रॉस प्रॉफिट निकलता कैसे है सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें ऐसे ही किया वह आपने पूरे नंबर बस जहां गलती की थी वहाँ उसने सजा तो दे तो दिया आपको आगे नेट प्रॉफिट भी गलत है कैसे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट आएगा ऐसे ही किया आपने पूरे नंबर बैलेंस शीट गलत है आपकी क्योंकि नेट प्रॉफ़िट गलत जा रहा है उसके अंदर लेकिन नेट प्रॉफ़िट ऐड करते हैं कैपिटल के अंदर आपने किया तो पूरे नंबर तो इसका मतलब है ग़लती की सज़ा वहीं पे मिलेगी वो तो अल्लाह ताला भी अगर दुनिया में सजा दे दे तो आखिरत में सजा नहीं देगा ऐसे ही है ना सर तो ऐसा तो नहीं ना दुनिया में भी सजा दे दी और आखिरत में भी सजा मिल रही है ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता कि जो सजा जहाँ पर मिलनी चाहिए वहीं पर मिल जाती है आगे सज़ा बस ठीक है नहीं मिलती तो एक जुमला जो आई कैप कहता है वो यंग्रेज़ी का कहता है कॉन्सिक्वेंशल मिस्टेक्स आर नॉट पेनालाइज्ड एक गलती की वजह से जो दूसरी गलती हो रही है उसकी सज़ा नहीं है बस पहले मिल गई ना बस ठीक है ओके लेकिन हमारे घरों में ऐसा नहीं होता जब आपकी आंखें दर्द हो रही होती हैं ना तो आप कुछ समझदार है पहले मोबाइल देखने पे अम्मी से जूतियाँ पड़ती हैं और उसके बाद जब कहते हैं ना अम्मी आंखें दर्द कर रही हैं तो दोबारा सुननी पड़ती हैं लेकिन आई कैप ऐसा नहीं करता क्योंकि एक गलती के कॉन्सिक्वेंस में आँखें दर्द हो रही हैं तो दोबारा मोबाइल देखने पर डांटनी पड़ेगी सब कुछ समझ आ समझ आ रही है बात की लेकिन हमारे घर में तो पड़ जाती है हमारे घर में तो कुछ भी हो जाए मोटर का पानी ना आए तो मम्मी कहती है, तेरे मोबाइल देखने की वजह से हुआ ये तो ये तो ऐसे ही है तो बहरहाल हम उसको इसके साथ मैच नहीं कर रहे आई कैप जो है वो एक गलती की सजा एक जगह भी देता है ओके कोई सवाल किसी का यहाँ तक कोर्स के मुतालिक किसी का कोई सवाल सिलेबस के मुतालिक कोई सवाल सर आपको किताब कहाँ से मिली पे, आपने पहले की मतलब उधर अच्छा 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 ओके ओके स्किप क्यों कर दिया आपने कितने हो गए थे पेपर ओ यार चार पेपर क्या कहते हैं छः तो मैंने दिए थे अपने दौर में चार चलें ऐसी बात ना पूछा करें आ, ओके जी सिलेबस कोर्स के मुतल किसी का कोई सवाल सब अच्छा है सर सब अच्छा है परेशान तो नहीं आप टाइम पे ख़त्म कर देंगे सर मैं गिन के सुबह मैं गाड़ी चला रहा था ना गाड़ी चलाते हुए मैं गिन रहा था कैलेंडर से एक सौ दस दिन गालबन बनते हैं गाड़ी चलाते हुए गिंदरा था एक दो दिन ऊपर नीचे हो गए तो माफ़ी दे दीजिएगा तो एक सौ दस दिन आपके बनते हैं आज से लेके इकतीस जनवरी तक संडे निकाल के इसमें छः दिन आप निकाल दें जो आपके रिजल्ट की छुट्टियां हैं छः दिन की वो ऑफ होगी आपकी पच्चीस दिसंबर की छुट्टी निकाल दें बारह रेब्यू लेवल की छुट्टी निकाल दें आठ दिन आप निकाल दें तो एक सौ दो दिन बनते हैं कोई इसके अलावा छुट्टी छुट्टी आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन ये छुट्टियां तो हैं एक सौ दो दिन बनते हैं आपके भाई अच्छा इस दफ़ा जो कोर्स सॉरी लॉ में चेंजिंग आई है ना उसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि टॉपिक्स निकले ही हैं ऐड कुछ नहीं हुआ ठीक है कुछ पांच छह टॉपिक्स हैं तो आप समझ लें कि जो हमारी बात 108 109 110 सौ लेक्चर्स में जा रही होती थी ना वो पांच छह लेक्चर्स आ गई है पीछे तो अब हम शायद 102 लेक्चर्स के अंदर ना इसको वाइंड अप कर सकते हैं इकतीस जनवरी तक मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इन चीज़ों को वाइंड अप कर दूँ एक दो दिन ऊपर चले गए उसकी माफ़ी एक आधा एक्स्ट्रा क्लास हो गई उसकी माफ़ी लेकिन इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा जनवरी आपको संडेज को छः छः घंटे बुला रहा हूँ या मैं आपको रोज ही कह रहा हूँ आप घंटा सुबह आ रहे हो तो चार घंटे शाम में हो ऐसा कभी भी नहीं होगा ना मैंने कभी आज तक ऐसा किया है सर यह लास्ट टाइम चूँकि दो ईदें आ गई थी और कुछ मसले मसाइल हो गए थे आ, दो ईदें थी लेबर डे था कुछ क्लासेस शायद लेट शुरू कुछ तरह का मसला हुआ था कि लेक्चर बिल्कुल ही ना नाइनटीन नाइनटी टू आ गए थे तो वो फिर गैप कवर करने के लिए ना वो ये काम करना पड़ा था कि चार पांच एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ी थी इस सेशन में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा अल्लाह ने जिंदगी रखी तो ओके और कोई सवाल किसी का हम क्लास में हम क्लास एक मिनट मेरे भाई हम क्लास में ना रोज़ का एक से डेढ़ सफ़ा पढ़ने होंगे इस ज़्यादा नहीं पढ़ने होंगे आपने बस जाके ना उसको याद कर लेना ये बस मेरी आपसे गुजारिश होगी पढ़ने का अंदाज़ा आपको आज ही पता लग जाएगा कैसे है भाई ने तो पढ़ा हुआ है भाई को अंदाज़ा होगा तो बार लेक्चर लिया तो अंदाज़ा तो यही क्या होगा ना कि क्या 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 गुल खिलाते हैं सर क्लास में तो बहर ये इस तरीके से हम क्लास में जी सर सवाल आपका टेस्ट आपका एवरी सैटरडे हुआ करेगा क्योंकि तो आपका आई का पेपर भी सैटरडे को है तो एवरी सैटरडे आपका जो है वो टेस्ट हुआ करेगा ठीक है और वो आपको आप मुझे बस याद करा दिया करेंगे कि सर सिलेबस बताना है थर्जडे को बता दिया करें मैक्सिमम थर्सडे को वैसे तो वेनजे को बता दिया करें कि मैक्सिमम थर्सडे को आपने बताना है कि सैटरडे को टेस्ट है क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा ना बुलड़ किस्म का इंसान हूँ भूल जाता हूँ मैं ठीक है और भी सवाल जी सर कोई सवाल किसी के जहन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल जाति सवाल के अलावा वो पूछ सकता है कोई सवाल नहीं ठीक है जी चलें फिर शुरू करते हैं जी आपके सामने चैप्टर फोर है जी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं टैक्स के जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें जहन में रखिएगा टैक्स जो है वो साल में सिर्फ एक दफ़ा पे किया जाता है अभी हम इनकम टैक्स से शुरू कर रहे हैं अभी हम सेल्स टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं सेल्स टैक्स हम एंड पे करेंगे इंशाल्लाह जनवरी में हम कर रहे होंगे या दिसंबर एंड पे कर रहे होंगे ठीक है पहले हम इनकम टैक्स की बात करेंगे जो पहले तीन चैप्टर हैं ये हम ऐसे ही लगे आते हो कभी बारिश हो गई बच्चे ना आए तो हम चैप्टर वन कर लिया करेंगे फिर वैसे ही कोई और मसला कोई हड़ताल हो गई कुछ और हो गया तो हम चैप्टर टू कर लिया करेंगे फिर कोई कोरोना की वबा आई अल्लाह ना करे तो हम चैप्टर तीसरा कर लिया करेंगे तो ये चैप्टर ना ऐसे ही हंसते खेलते हो जाते हैं पहले तीन चैप्टर बाकी हम क्लास में प्रॉपर ये इनकम टैक्स और सेल टैक्स ही कर रहे होंगे ओके इनकम टैक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर फोर है बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स साल में एक दफा पे किया जाता है ठीक है ये दो तीन बातें हमने जेन में रखनी है फिर हम शुरू करते हैं अब सवाल यह है कि जब साल में एक दफा पे किया जाता है तो साल का मतलब होता है बारह महीने वो बारह महीने कौन से होते हैं क्या वो यकम जनवरी से इकतीस दिसंबर तक के होते हैं क्या वो पाँच जनवरी से लेकर अगले साल के चार जनवरी तक होते हैं क्या वो यकम फरवरी से इकतीस जनवरी तक होते हैं यह बारह महीने कौन से होते हैं तो नॉर्मली नॉर्मली जिन बारह महीनों का जिक्र होता है वो बारह महीने होते हैं यकम जुलाई से लेकर तीस जून तक ये बारह महीने होते हैं जी जिनका टैक्स आपने पे करना होता है नॉर्मली की बात कर रहा हूं इसमें इख्तलाफ हो सकता है चेंज हो सकता है नॉर्मली हम ये बारह महीने देख रहे होते हैं एक आप लोग देखते हैं जी यकम जनवरी से लेके इकतीस दिसंबर तक जैसे अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी यकम जनवरी बाईस से इकतीस दिसंबर बाईस इस वाले साल में मौजूद है कैसे ही है इसको बोला जाता है कैलेंडर ईयर इस नाम से आप वाकिफ होंगे ठीक है लेकिन जो ये पीरियड होता है यकम जुलाई से लेकर तीस जून तक का इसको बोला जाता है टैक्स तो हमारा जो यहां पे ताल्लुक रहेगा वो हमेशा टैक्स ईयर से रहेगा इसकी बात हम नहीं किया करेंगे तो जब मैं आपसे ईयर की बात करूं या साल की बात करूं तो आपने हमेशा उसको ही समझना है इसको नहीं समझना के मैं स्पेसिफिकली बोलूं कैलेंडर ईयर की बात हो रही है अब जब भी ईयर की बात होगी या साल की बात होगी तो हमेशा टैक्स ईयर की होगी और नॉर्मली वो यकम जुलाई से तीस जून होगा ठीक होगी बात मिसाल के तौर पर अभी हम मौजूद हैं आज का तरीका है छब्बीस सितंबर छब्बीस सितंबर दो हजार बाईस अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हम किस टैक्स ईयर में मौजूद हैं तो क्या जवाब होगा आपका हम मौजूद हैं यकम जुलाई बाईस से लेकर तीस जून तेईस वाले टैक्स ईयर में कैसे मौजूद है ओके yes. okay. अभी जो टैक्स ईयर खत्म हुआ है वो कौन सा है यकम जुलाई इक्कीस से लेके तीस जून बाईस ये वाला टैक्स ईयर खत्म हुआ है तो इस तरीके से आप जो है वो टैक्स ईयर को लेके चल रहे होते हैं इवन हुकूमत या पाकिस्तान का जो टैक्स ईयर है वो भी यकम जुलाई से तीस जून है क्योंकि आपको पता है कि हर साल जून में ही बजट आता है जो कि यकम जुलाई से एप्लीकेबल होता है ठीक है बैंक्स का चले फर्क है तो नॉर्मली यकम जुलाई से तीस जून तक की बात हो रही होती है बात समझ आ रही है सबको इसमें किसी को कोई इख्तलाफ तो कैलेंडर ईयर और टैक्स ईयर में फ़र्क होता है और टैक्स के अंदर हम जब भी बात कर रहे होंगे हम हमेशा टैक्स ईयर की ही बात कर रहे होंगे ठीक हो गई बात ओके अगला सवाल हमेशा बोलना पड़ेगा हम अभी यकम जुलाई बाईस से लेकर तीस जून तेईस वाले साल में बैठे हुए हैं हमेशा ऐसे बोलना पड़ेगा या कोई मुख्तिर फॉर्म होनी चाहिए बिल्कुल मुख्तर फॉर्म होनी चाहिए हमेशा बोलेंगे सर हम तो जुलाई बाईस से तीस जून तेईस वाले में बैठे हुए हैं ऐसा नहीं होता ये बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है उन्होंने कहा कि यार इस चीज़ को ना कोई ज़रा शॉर्ट फॉर्म बता दो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है यानी दूसरे अल्फाज में अगर अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करूँ इसको डिनोट कैसे करते हैं कैसे ज़रा एक मुख्तर सा बता दें कि आप इस पीरियड की बात कर रहे हैं इन बारह महीनों की बात कर रहे हैं देखिए आपका साल साल से मुराद अगेन टेक्स ईयर आपका साल जहां पे खत्म हो रहा है ना कब खत्म हो रहा है तेईस जून तेईस तेईस जून तेईस मुझे बताइए तीस जून तेईस किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है क्या वो यकम जनवरी तेईस से लेके इकतीस दिसंबर तेईस वाले कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है कर रही है क्या ये कैलेंडर ईयर 2023 है तो यहां पे वो ये कहता है कि आपके टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है वो जो कैलेंडर ईयर होगा वही ये वाला टैक्स ईयर होगा तो ये टैक्स ईयर 2023 कहलाया जाएगा तो अगर आपको कोई कहे कि आप किस साल में फॉल कर रहे हैं तो ये कहने की कतन जरूरत नहीं है कि हम यकम जुलाई दो से लेके तीस जून दो वाले साल में फॉल कर रहे हैं नहीं हम टैक्स ईयर तेईस में फॉल कर रहे हैं मुख्तर बात उसको ख़ुद समझ आ जाएगी अच्छा टैक्स टैक्सीयर तेईस ईयर तेईस कौन सा वाला जो तीस जून तेईस में ख़त्म हो रहा है यानी शुरू एकम जुलाई बाईस में हो रहा है ठीक होगी बात ये बात आप लोगों को समझ आ गई तो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर ऐसे चलता है तो आई होप मैंने आपको टैक्स ईयर के बारे में थोड़ी सी बात बता दी है अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है ओके सर कोई सवाल सब बड़े गुस्से हैं खरीद गलत पढ़ा रो अच्छा माशाल्लाह पीआरसी भाई का पास है क्या अभी रिजल्ट दिया हुआ है रिजल्ट आना है अभी पास है सर कितने पेपर उठाए हुए आपने चार चार क्यों नहीं उठाए तो फिर एक रह जाएगा अच्छा है मैं बड़ा होकर बनूंगा नहीं ऐसा क्यों है अभी तीन फिर चार चार करें फिर चार करें फर्क करें क्या ख्याल है एज क्या है आपकी एज क्या है आपकी ट्वेंटी ओ यार बीस साल में तो आपको आठों इकट्ठे देने चाहिए क्या रूटीन क्या है वैसे आपकी लाहौर के रहने वाले लाहौर से बाहर के रहने वाले हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं आप तो टोबाटी तो कितना फासला है यहाँ से तीन साढ़े तीन रोज़ घर जाते ग्रो तो नहीं घर जाते हॉस्टल में रहते हैं कल कितने देर बाद घर जाते हैं महीने बाद घर जाते हैं तो यार इधर हॉस्टल में करना क्या होता है आपने इंटरनेट है हॉस्टल में इंटरनेट है हॉस्टल में ये सबसे बड़ा मसला है उसको ना कटवा दें जाके फिर ना देखें क्या लुट मचती फिर आप आठ के आप कहेंगे मैं पूरा सी ए एक अटैंड में कर लेता हूँ क्या ख्याल है ऐसा हो सकता है सर चलिए जरा सोचिएगा इस बारे में चार दे दिया करें माशाल्लाह हिम्मत वाले पढ़े लिखे बंदे आप अपना हॉस्टल है बिजनेस क्या बात है भाई माशाल्लाह बिजनेस भी करते हैं भाई तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं मैं भाई ने कहा पढ़ाई की पढ़ाई कारोबार का कारोबार का, कार चले ठीक है जी आ, इनके आ, आ, आपके हॉस्टल में कोई रहता है इनमें से अच्छा अब ये इरादा तो नहीं कि चलो इन्हीं को घेर घूर के ले जाऊँ ऐसा तो नहीं सोचा हुआ ये सोच के क्लास में आए हो ये देखा भाई इस मकसद से बैठेंगे चलो एक दो चार घेर लेंगे यहाँ से चले कोई बात नहीं अल्लाह मजीद तरक्की दे आपको आइए जी टेक्स ईयर पे टेक्स ईयर के आगे अगर आप ब्रैकेट में देखेंगे तो लिखा हुआ है सेक्शन सेवेंटी फोर आपका जो कानून बनता है ना उस कानून को ना डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है सेक्शन वन टू थ्री फोर ये तकरीबन कोई दो सौ बयालीस दो सौ तिरतालीस सेक्शन है लेकिन ये सेक्शन नंबर याद करने की आपको कतन ज़रूरत नहीं है लेकिन जो नीचे अंग्रेज़ी लिखी हुई है ना ये आपने बारह हाल याद करनी है ये नंबर नंबर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक बात तय हो गई दूसरी बात ये लिखा हुआ है वन टू फिर हम कुछ किताब में लिखना भूल गए थे तो हमने टू ए लिख दिया फिर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हमने लिखा नहीं पता नहीं गलती होगी किताब के अंदर तो ग्यारह लिख दिया क्या ये ऐसा है ये किताब में कोई गलती नहीं है भाई ये कानून के अंदर ना इन ब्रैकेट्स को कहा जाता है सब सेक्शंस ओके सब सेक्शंस ओके 74 फोर इज द सेक्शन एंड वन इज द सब सेक्शन ओके आपको अक्सर कानून ना इस तरीके से नजर आएगा जैसे ये सेक्शन 74 है इसमें लिखा हुआ है ईयर इसके नीचे लिखा होगा वन सेक्शन उसका आ गया सबसेक्शन इसमें कोई अंग्रेजी लिखी होगी हो सकता है अंग्रेजी में कुछ पॉइंट्स आ जाए ए बी सी इनको कहते हैं क्लॉज ओके क्लॉज और फिर हो सकता है ये सी का पॉइंट हो तो उसमें मजीद कुछ पॉइंट्स आ जाए ऐसे हो सकते हैं ऐसे इनको कहते हैं सब क्लॉज तो ये हो गया सेक्शन दिस इज सबसेक्शन दिस इज क्लॉज एंड दिस इज सब क्लॉज ओके दोस्त सब अच्छा है ठीक है ये बात समझ आ गई सबको तो मेरे ख्याल में इस सफे पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास सेक्शन आ रहे हैं सबसेक्शन आ रहे हैं टू ए के आगे जो पॉइंट्स लिखे हैं बस इनको छोड़ दें ए, हमने यहाँ पे कोशिश ये की है बल्कि हाँ अगले सफ़े पे आइए 81 आपको नजर आ रहा होगा 81 वन सेक्शन है आगे वन जो है वो सब सेक्शन है और आगे ए और बी जो है वो क्लॉजेज हैं हाँ इनके आगे ए के नीचे मजीद कोई पॉइंट होता है ना तो सब क्लाजेज में बात चली जाती तो बहरहाल ये बात भी आपको ना पता होनी चाहिए अच्छी बात है लेकिन आपने याद नहीं करनी कि जी सेक्शन वन है तो सेक्शन सब सेक्शन ये आपने बहुत पेपर में एरो डाल दीजिएगा बुलेट्स डाल दीजिएगा वन टू थ्री फोर फाइव नॉर्मल लिख दीजिएगा इसकी कोई टेस्टिंग नहीं है आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि जी आपने टू ए को टू ए ही लिखना है नहीं कोई फ़र्क नहीं है ये पूरा टैक्स आएगा वह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टन करके आप लिख दीजिएगा ठीक होगी बात ओके एक दो बातें और आपके साथ करनी है जी जो कि कानून से मुतलिक हैं मिटा दो ये आपके सामने इस वक्त ओरिजिनल कानून नहीं है अगर ओरिजिनल कानून होता तो मैं आपको लाजमी दिखाता उसमें अक्सर और कातना दो जुमलों का बड़ा इस्तेमाल होता है ठीक है एक तरफ लिखा होता है जी नॉट विच स्टेंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस और आगे फिर सेक्शन कंटिन्यू हो रहा होता और एक तरफ लिखा होता है जी सब्जेक्ट to the provisions of section किसी दूसरे सेक्शन का हवाला दिया होता है ट्वेंटी और आगे सेक्शन होता है ये दो तरह के जुमले ना आपको कानून के अंदर नजर आएंगे इस किताब में तो शायद नजर ना है लेकिन जब आप ओरिजिनल कानून खोलेंगे तो आपको वहां पे नजर आएंगे इन दोनों जुमलों का मतलब क्या है जी सबसे पहले वो कहता हैद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस आपको पता है क्या होता है प्रोविजन कहते हैं ये जो आपके सामने अंग्रेजी में लिखे हुए हैं ना सेंटेंसेस इनको प्रोवियन बोलते हैं ठीक है ये जो वन के आगे नॉर्मल टेक्स के नीचे अंग्रेजी लिखी हुई है ये प्रोवीन है बेसिकली टेक्निकल जबान लीगल जबान इसकी प्रोविजन है अब वो कहते हैं जी नॉट विध स्टैंड एनीथिंग कंटेंट इन अदर दिस ऑर्डिनेंस अक्सर ऐसा होता है कि लॉ के अंदर ना मैंने बताया दो ढाई सौ सेक्शन है एक सेक्शन में एक बात लिखी होती है ना दूसरे सेक्शन में बात ना उसके उलट लिखी होती है ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो जिस सेक्शन के शुरू में ये लिखा हो ना, इसका मतलब ये होता है यार वो जो सेक्शन बात कर रहा है ना उसको फारक कराओ जो मैं कह रहा हूँ ना वो सुनो आसान अल्फाज में बात करते हैं घर में अम्मी अबू हैं अम्मी से पूछा अम्मी रात को दोस्तों के साथ बाहर चला जाओ हाँ चले जाओ बेटा अबू से पूछा चले जाए चुप करके घर बैठो अबू अम्मी ने तो ज्यादा दे दी थी नॉट अम्मी जो कहती है उसको फारक कराओ जो मैं कह रहा हूं वो सुनो कुछ बात समझ आई इसी तरीके से कानून के अंदर भी है एक प्रोविजन कुछ और कह रही होती है एक प्रोविजन कुछ और कह रही होती है तो जिस प्रोविजन के शुरू में यह लिखा होगा वो प्रोविजन प्रिवेल करेगी उसकी बात की अहमियत ज्यादा होगी

तो दूसरा सेक्शन जो कह रहा है सेक्शन ट्वेंटी वन उसकी बात सुनो मेरी बात ना जरा साइड पर रखो अगर वो मानता है ना तो ठीक है मैं भी मानता हूं अगर वो नहीं मानता ना तो ठीक है मैं भी नहीं मानता ओके ओगी बात तो ये दो जुमले आपको ओरिजिनल लॉ के अंदर नजर आएंगे अक्सर नजर आते हैं बे इनतहा नजर आते हैं आपके आर्टिकल में काम आ सकते थे रियल लाइफ में काम आ सकते थे तो मैंने आपको ये बता दिए ओके नोट करना हो कर लीजिएगा आगे आपकी मर्जी ठीक है सर अच्छा एक बात जेन में रखिएगा ये मत समझिएगा कि आप टैक्स पढ़ रहे हैं तो आज मैं जाके अपनी दुकान खोल सकता हूँ शौकत टैक्स सर्विसेज ऐसी बात जेन में मत रखिएगा हम थोड़ा सा ही कानून पढ़ रहे हैं हम कानून सारा नहीं पढ़े हम बिल्कुल मुख्तर सा कानून पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कानून पढ़ रहे हैं और इसके अंदर जाना वो थोड़ा सा इशू हो सकता है कि अधूरा पढ़ के आप जाके लोगों को कुछ कहना शुरू कर दें दुकानदारों से लड़ना शुरू कर दें और एंड पे जूतियाँ फिर पढ़ती हैं तो ये डिस्कलेमर मैं पहले से दे रहा हूँ ओके आइए जी टैक्स के ऊपर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं जी टैक्स ईयर का क्या है जी द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथस टैक्स ईयर जो है वो बारह महीने का पीरियड होगा एंडिंग ऑन जून और ये कब खत्म हो रहा होगा तीस जून को खत्म हो रहा होगा तो खुद सोच के बताइए कि बारह महीने का पीरियड जो तीस जून को खत्म हो रहा है वो शुरू कब हो रहा होगा यकम जुलाई को शुरू होगा तो तीस जून को खत्म होगा ना तो ऑब्वियस बात हो होगी यकम जुलाई से लेकर तीस जून ओके okay? और ऐसे पीरियड को क्या कहा जाएगा हेयर इन आफ्टर रेफर टू एस और आज के बाद इसको कहा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर और आज के बाद इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाएगा तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि जिस शख्स का ईयर या कम जुलाई से लेकर तीस जून हो तो वो नॉर्मल ईयर होता है ओके okay, मेरे भाई एंड शेल बी डिनोटेड और इसको डिनोट किससे किया जाएगा कहलाया क्या जाएगा बाय द कैलेंडर ईयर उस कैलेंडर ईयर से इनविच 30 जून फॉल्स जिस कैलेंडर ईयर में 30 जून आके गिरती है तो मुझे बताइए कि ये जो 30 जून है ये किस कैलेंडर ईयर में आके गिरती है 2023 में तो इसको टैक्स ईयर 23 कहा जाएगा ओके तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ आपने मुझे बताने हैं सारे नॉर्मल टैक्सीयर्स हैं अगर मैं बात करूँ एकम जुलाई दो की तो ये ख़त्म कब होगा 2013. तो ये कौन सा टैक्स ईयर बनेगा टैक्स ईयर 13. अगर बात करें यकम जुलाई उन्नीस की तो ये कब खत्म होगा कौन सा टैक्स ईयर है जी बिल्कुल टैक्स ईयर 2000. ओके अगर बात की जाए यकम जुलाई 2005 की तो कब खत्म होगा कौन सा टैक्स ईयर है टैक्स ईयर 2006 तो मेरे हाल में आपको बात समझ आनी शुरू हो गई है कि 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करेगा वही कैलेंडर ईयर इसका टैक्स ईयर होगा तो अगर यकम जुलाई 2024 की बात की जाए तो ये कौन सा टैक्स ईयर है हाँ जी यकम जुलाई 24 की बात की जाए वो 30 जून 25 में ख़त्म हो रहा है तो टैक्स ईयर पच्चीस हो गया ओके अगर यकम जुलाई सताईस है तो तीस जून अट्ठाईस को ख़त्म हो रहा है तो टैक्स ईयर अट्ठाईस है अच्छा कभी कभार ना एक अदद डेट लिख के वो बता देता है कि बताओ ये किस टैक्स ईयर में फॉल कर रही है अब मैं आपके सामने ना कुछ डेट्स बोलता हूँ आपने बताना है कि ये किस टैक्स ईयर में फॉल करती है मुझे बताइए 31 अक्टूबर 1999 ये किस टैक्स ईयर में फॉल करती है जी टैक्स ईयर 2000 क्योंकि 31 अक्टूबर 99 का क्या मतलब है ये कम जुलाई नाइन्टी से लेके 30 जून 2000 ओके okay? अगली एग्जांपल 31 दिसंबर दो 2017. हाँ जी टैक्स ईयर 2017 क्योंकि यकम जुलाई 16 से लेके तीस जून सत्रह में फॉल कर रही है उसके बाद 25 जून 2008 25 जून 2008 कौन सा टैक्स ईयर में फॉल कर रही है टैक्स दो हजार आठ में फॉल कर रही है ओके उसके बाद 5 अगस्त 2019 हजार सर ये क्या बोली जा रही है ये पांच अगस्त उन्नीस कहां पे फॉल करती है जी सर कहां पे फॉल करती है जी ये यकम जुलाई उन्नीस से लेके 30 जून 20 तक फॉल कर रही है ऐसे ही है तो ये टैक्स ईयर बीस में फॉल कर रही है भाई ओके यक़म जुलाई 2020 कौन सा टैक्सीयर है ये ट्वेंटी वन है ट्वेंटी जी ये टैक्सी ईयर ट्वेंटी वन है क्योंकि ये कम जुलाई बीस से तीस जून इक्कीस पर फॉल कर रही है उसके बाद मुझे बताइए तीस जून दो हज़ार पंद्रह ये कौन सा टैक्सी ईर है जी ये टैक्सी ईयर पंद्रह ही है जिस टैक्सीयर पंद्रह ओके तो बात समझ आ गई yes. आसान तरीका यह है कि जो डेट आपको गिवन हो देख लें उसके बाद कौन सी तीस जून आती है जो तीस जून उस तारीख के बाद आ रही है वही उसका टैक्स ईयर है ओके okay? आसान बात समझ आ गई अब मैं आपके सामने कहूँ तीस सितंबर दो हजार उन्नीस इसके बाद तीस जून दो हज़ार बीस आ रही है टैक्सीयर बीस तक okay? ओके आसान बात है कोई सवाल किसी का नॉर्मल टैक्स ईयर में किसी का कोई सवाल सो नॉर द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ बारह महीने एंडिंग ऑन तीस जून तीस जून को खत्म होते हैं आज के बाद इसको कहा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर एंड शेल बी डिनोटेड बाय और कैसे कहलाया जाएगा बाय द कैलेंडर ईयर इन विच थर्टी जून फॉल्स उस कैलेंडर ईयर से जिसमें तीस जून फॉल करती है तो इस जुमले का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो कैलेंडर ईयर में इस नॉर्मल टैक्स ईयर की तीस जून फॉल कर रही है वही कैलेंडर ईयर इसका टैक्स ईयर होगा ओके कैलेंडर ईयर इज अ ईयर विच एंड्स ऑन दिसंबर इकतीस वो कहते हैं जी कैलेंडर ईयर वो साल है जो कि इकतीस दिसंबर को ख़त्म हो रहा है ये बात आपको वैसे बताए और ये जो इस तरह के बॉक्सेस में बात लिखी होती है ये बॉक्सेस जो है वो आपके कोर्स में नहीं है ओके ये वैसे ही बात जो है ना वो हमने लिखी हुई है आपके समझने के लिए तो इस तरह के बॉक्सेज आए ना तो उनको वैसे बस समझने के लिए लिख लीजिएगा लेकिन इसको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है जो बॉक्सेस कोर्स में होंगे वो मैं आपको बता दूँगा ठीक होगी बात किसी का यहां तक कोई सवाल एनी क्वेश्चन मिटा ये सारा कुछ आपको सब समझ आ रहा है पक्की बात है सवाल नहीं पूछ रहे आप लोग होगा तो पूछेंगे ठीक है जी ओके okay. ये जो टैक्स ईयर होता है ना इस टैक्स ईयर का मतलब क्या होता है टैक्स ईयर में साल के तौर पे आपका चल रहा है जी यकम जुलाई से लेके 30 जून तक इसका मतलब क्या है जी क्या मतलब है इसका ये 12 महीने आलदा करने का फ़ायदा क्या है बताइए क्यों टैक्स ईयर हम डिफाइन करते हैं साल का टैक्स पे करना है यही अभी बताया था ना कि साल का टैक्स आपने इन बारह महीनों का टैक्स पे करना होता है अब जब आपने बारह महीनों का टैक्स पे करना है तो ई बात है बारह महीनों की कैलकुलेन्स भी आपको करनी पड़ती होंगी जब आपको बारह महीने की कैलकुलेस करनी पड़ती होंगी तो उसके लिए कोई एक दो घंटे नहीं लगते उस पर एक दो महीने लगते हैं अच्छा खासा टाइम लगता है क्योंकि पूरे साल को आपने क्लोज़ करना होता है पूरे साल की सेल्स होती हैं पूरे साल के एक्सपेंसेस होते हैं बड़ा कुछ होता है जो आपने देखना होता है उसके बाद जाके आप इसका टैक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं ठीक होगी बात अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कंपनी होंडा की चलो छोड़ें होंडा को छोड़ें हम कॉलेज की मिसाल लेते हैं हम मिसाल लेते हैं क्रिसेंट की अब क्रिसेंट का टैक्सीयर भी यही होगा यकम जुलाई से तीस जून यकम जुलाई 2022 बाईस, बाईस से लेके तीस जून 23 इसी में बैठे हुए हैं ना अब दो मिनट के लिए सोचें यकम जुलाई 22 से तीस जून टैक्स ईयर हो गया इस साल का टैक्स जो है वो क्रिस्टन ने पे करना अच्छा ऐसा नहीं होता कि तीस जून दो को जैसे ही ख़त्म हुआ आ गए एफ वाले आपके दफ्तर में बैठ गए सारे जागोगे छुट्टी बंद है आज ही सारी कैलकुलेशन करो बैंक के मैनेजर तो का मैंने कहा है सुबह चार बजे तक बैंक खोल के रखना आ, हम सारा टैक्स कैलकुलेट करेंगे आज ही सारा टैक्स हम जमा करा के तो फिर जाएंगे ऐसा नहीं होता भाई उसने आपको ना कुछ टाइम दिया होता है कि इस टाइम तक जो है ना सारी कैलकुलेस करके जो टैक्स बनता होगा वो मुझे आके चेक कराना और जमा करा देना वो कितना टाइम दिया हुआ है वो टाइम नॉर्मली थ्री मंथ्स होता है इंशाल्लाह इसको भी हमने पढ़ना है यानी तीस सितंबर तक उसने आपको टाइम दिया हुआ कि तीस सितंबर तक जाना सारा कुछ कर लो आप लेकिन बहरहाल लोगों की कोशिश होती है कि हम ये काम ना जल्दी से जल्दी कर लें जल्दी से जल्दी कर लें अब दो मिनट के लिए सोचें दो मिनट के लिए सोचिए तीस जून तेईस क्रिस्ट वाले कहेंगे यार इस वक्त तो हमारा कैफ का बैच जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है हर तरफ लड़ाई झगड़ा मारामारी चल रही होती है सबको अपनी अपनी पड़ी होती है कोई एक्स्ट्रा क्लासेस कोई टीचर ले रहा है एक्स्ट्रा क्लासेस कोई ले रहा है कैमरे मिल नहीं रहे कमरों की शॉर्टेज हुई है बच्चे आना नहीं चाह रहे बस हर तरफ ना नफसा नफसी का आलम होता है ऐसे ही है इस नफसा नफसी के आलम में आपको टैक्स की पड़ी हुई है कोई रहम करें हम पे काम चलेगा तो टैक्स आएगा ना तो मेहरबानी करें हमारा ये यकम जुलाई से तीस जून वाली बात ना हमें समझ नहीं आती है हमारा साल ही चेंज कर दें हो सकता है ऐसे कहेगा क्या मतलब साल चेंज कर दें सर देखें हमें सूट नहीं करता बहुत मसरूफियत होती है आप एक काम करें आपको बारह महीने का टैक्स चाहिए ना आप हमारा साल जो है ना वो यकम अक्टूबर से ना तीस सितंबर करें क्या चले मैं और आसान बात करता हूँ ज़रा समझने में आसानी होगी आप हमारा साल जो है ना वो करें यकम सितंबर से ले कर इकतीस अगस्त तक इकतीस अगस्त पर साल ख़त्म होगा सेशन भी क्लोज़ होता है उस वक्त बच्चे पेपर के घरों में होते हैं हम भी वेले बैठे रहते हैं सारा दिन हम आराम से बैठ के ना महीने के अंदर कैलकुलेसन करके ना तो आपको टैक्स वगैरह जमा करा देंगे कुछ लॉजिक समझ आती है लॉजिक समझ आती है क्या हुकूमत को इस चीज़ की इजाज़त दे देनी चाहिए कि नहीं नहीं या कम जुलाई से तीस जून बस जो मर्जी हो जाए इसी में ही करना है तुमने जो कुछ कर रहा हूँ हकूमत फ्लैक्सीबल है हुकूमत कहती है ठीक है अगर आपका जेनवन इशू है ना तो हम आपका साल चेंज कर देते हैं आपको नॉर्मल टैक्सी और नहीं सूट कर रहा ना ठीक है नहीं सूट कर रहा बहुत से लोगों को नहीं सूट करता आप यकम सितंबर से इकतीस अगस्त वाला साल उठा लें उठाया जा सकता है बिल्कुल उठाया जा सकता है प्रोसीजर है जी इसका एक प्रोसीजर क्या है जी प्रोसीजर है जी इसी पेज पे पॉइंट नंबर थ्री पे लिखा हुआ है ओके अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग कमिश्नर को व्हाट्सएप मैसेज करेगा हे ब्रो हाउ आर यू आई एम फाइन ब्रो प्लीज चेंज माई टैक्सीयर आई कांट हैंडल इट ओके ब्रो चेंज्ड ऐसे होता है ऐसा नहीं होता भाई ये ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कभी भी ऐसा नहीं होती आपको अपने लेटर एड पे खत लिखना पड़ेगा पूरा लेटर लिखेंगे आप क्रिस्टन कॉलेज के लेटर एड पे कमिश्नर को एड्रेस किया जाएगा सब्जेक्ट लिखा जाएगा चेंज इन टेक्सियर और रिक्वेस्ट की जाएगी सर क्या लिखेंगे रेजी मुझे भी भूल गई है नहीं नहीं प्लीज़ नहीं <laughs> प्लीज प्लीज़ प्लीज, नीचे एक बंदा बना देंगे इसने हाथ जुड़े होंगे ऐसे नहीं नहीं वो इस तरह करके कोई अंग्रेजी आप लिखेंगे सारी आप पहले वजूहत बताएंगे कि, कि किस वजह से आपको ये टैक्सीयर सूट नहीं करता और कौन सा टैक्सीयर आपको सूट करता है और इसमें चेंज कर दिया जाए कह ड्यू टू वर्क प्रेश, वर्क प्रेशर वी नॉट कंटिन्यू विद द टैक्सीयर ऑफ यकम जुलाई टू थर्टी जून बिकॉज ऑफ ओवरलोड ऑफ लेक्चर्स और इस तरह करके जो भी बात आपने लिखनी है वो आप कहानी लिखेंगे और बाद में आप कह देंगे कि हमारा टैक्स ईयर चेंज करके प्लीज़ चेंज आयर टैक्स ईयर फ्राम यकम जुलाए बाईस से तीस जून तेईस टू यकम सेप्टेम्बर टू थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट ठीक होगी बात आपने उसको एप्लीकेशन दे दी राइटिंग में कहेंगे ज़बानी कलामी कोई बात नहीं होती खत लिखेंगे उसको पूरा उस पर साइन करेंगे उस पर स्टेम करेंगे और जाके कमिश्नर को दे आएंगे कमिश्नर वो आपका खत देखेगा और खत देखने के बाद कहेगा अच्छा बैठ के बात करते हैं खत तो तुमने दे दिया क्या मसला है वजह भी बताओ आप उसको पूरी वर्बली एक्सप्लेन भी करेंगे साथ वो आपको बुला सकता है ज़रूरी नहीं कि बुलाए वो बुला भी सकता है तो जब वो आपको बुला लेगा आपने उसको एक्सप्लेसन बता दी तो ठीक है बता दी उसके बाद कमिश्नर के पास क्या ऑप्शन है तो ये ऑप्शन है ना या मान ले या इनकार कर दे अगर मान लेगा तो अच्छी बात है इनकार कर देगा तो चलें तो भी अच्छी बात है ओके लेकिन इसका पूरा यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है वो मैं आपको वर्बली पहले बता देता हूँ तो आपने जब उसको एप्लीकेशन दे दी तो एप्लीकेशन देने के बाद वो एक्सेप्ट हो सकता है अगर एक्सेप्ट होगा तो वो एक्सेप्ट होने के साथ कुछ शर्त भी लगा सकता है शर्त क्या हो सकती है इजाज़त है लेकिन दो सालों के लिए लेकिन तीन साल के लिए लेकिन पाँच साल के लिए बिल्कुल वो कह सकता है नहीं लगाता शर्त बहुत अच्छी बात है अगर वो इजाज़त नहीं देता अगर वो इजाज़त नहीं देगा ना तो सिर्फ ये नहीं 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 मैंने तुम्हारी शक्ल ही मुझे पसंद नहीं है मैंने इजाज़त नहीं देनी तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं होती वो प्रॉपर लॉजिकल वजूहत बताएगा कि इन वजूहत की वजह से मैं इनकार कर रहा हूँ और इनकार करने पर भी आपको पूरी ब्रीफिंग देगा वो ठीक होगी बात बात समझ आ गई अगर उसने इजाज़त दे दी थी तो वो किसी भी टाइम इजाजत वापस ले सकता है लेकिन इजाज़त वापस लेने के लिए जी जी हाजिर इजाज़त वापस लेने के लिए वो पहले आपको दोबारा से बुलाएगा और एक्सप्लेनेशन आपसे मंगवाएगा वो कहेगा पहले एक्सप्लेनेशन दें ओके okay, वजूहत बताएगा कि किस वजह से मैं आपकी इजाजत जो है वो कैंसिल कर रहा हूं ठीक होगी बात ओके okay. अब पढ़े जी पॉइंट नंबर थ्री सर ये जरा ऐसी बंद कर दे पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग एक शख्स जो है वो राइटिंग में अप्लाई कर सकता है किसको कमिश्नर को अच्छा कमिश्नर जो है ना बड़ी फसाद की जड़ होता है ये सबसे ज्यादा मसले जो है ना वो कमिश्नर uh, के होते हैं आपको जरा एक हरार की भी मैं बता देता हूं देखिए जी सबसे ऊपर होता है बोर्ड ये एफ बी आर की हरार की है एफ बी आर का वर्ड सुना है आपने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे ऊपर होता है जी बोर्ड बोर्ड होता है एफ बी आर का उसके बाद आता है जी चीफ कमिश्नर यू कैन कॉल इट दादाजी वट एवर यू सर फिर आता है वो बंदा जिसने हर तरफ लुट मचाई हुई है कमिश्नर फसाद की जड़ ओके okay. उसके बाद आ जाते हैं जी एडिशनल कमिश्नर फिर आते हैं जी डिप्टी कमिश्नर फिर आते हैं असिस्टेंट कमिश्नर और फिर आ जाते हैं दूसरे ऑफिसर छोटे मोटे ये बेसिकली एक हरार की है पूरी एफबीआर की ओके तो नॉर्मली नॉर्मली ये भाई साहब जो है ना हर घर में होता है ना एक एक होता है ना इसमें मचाई होती है हो सकता है आपने घर में आप ही हो सर एक बंद करना था आपने तीनों ही बंद कर दिए दो चला दें कोई ये मसला कर रहा था एंड वाला चला दें या इसको भी चला के ना छब्बीस पे करके ऊपर कर दें इसकी जाली ठीक है उस बहुत वापस हो जाता ओके जी तो ये कमिश्नर साहब जो है ना ये फसाद की जड़ है तो आपने इनके पास जाना है और इनके पास जाके इनको कहना है कि भाई तेरी मेहरबानी है टैक्सी चेंज कर दें तो अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज़ किस बात की इजाज़त लेनी है इजाज़त दे दें किस बात की इजाज़त टू यूज़ अ ट्वेल्व मंथ्स पीरियड के सर मुझे बारह महीने इस्तेमाल करने दें किस लिए कॉमे को छोड़ें एज अ स्पेशल ईयर सर स्पेशल टैक्स ईयर के तौर पे मुझे इजाज़त दें कि मैं अपना ईयर जो है वो चेंज कर लूं अदर देन नॉर्मल ईयर कॉमे वाली बात तो अब उसने आपको क्या करना है जी आपने एप्लीकेशन देनी है उसको जाके राइटिंग में एप्लीकेशन देनी है इजाज़त मांगनी है कि 12 महीने मुझे इस्तेमाल करने दें स्पेशल टैक्स ईयर के तौर पे जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा होंगे ठीक होगी बात अब यहाँ से एक सवाल शुरू होता है कि जी स्पेशल टैक्सीयर क्या होता है जब तक हम वो नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते और स्पेशल टैक्सीयर की पॉइंट नंबर टू में डेफिनेशन है एक ये बेस बनानी थी और उसी बेस के लिए मैं आपको पॉइंट नंबर थ्री पर लाया था ओके जी अब लेते हैं मिसाल जी होंडा की यकम जुलाई से लेकर तीस जून तक टैक्सियर था होंडा का ओके यक़म जुलाई को स्टार्ट हो रहा था और तीस जून को ख़त्म हो रहा था आसानी के लिए मैं इसके साथ साल भी लिख देता हूँ मिसाल के तौर तो पे उन्नीस मिसाल के तौर तो पे और इसके साथ दो हजार बीस ठीक होगी बात क्रिस्टन का मसला था होंडा का भी मसला हो सकता है होंडा का मसला क्या है जी होंडा का मसला यह है कि होंडा की जो पेरेंट कंपनी है पेरेंट कंपनी पता क्या होती है जापान में इनकी एक ओनर कंपनी है जिसकी एक सॉर्ट ऑफ ब्रांच है पाकिस्तान में जो ऑपरेट करती है जो पेरेंट कंपनी इनकी जापान में है वो इनसे कहती है कि भाईजान पूरा साल क्या कमाया क्या कमाया इसका ज़रा डिटेल ना मुझे हर साल भेज दिया करो मैंने पूरी दुनिया का ज़रा चेक करना होता है कि पूरी दुनिया में होंडा ने कितना कमाया ओके okay? तो जब पूरी दुनिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में तो सारी होंडास की सेल और उनके एक्सपेंसेस एड होने होते होंगे अब मिसाल के तौर पर जो होंडा जापान में मौजूद है उसका साल क्या है जी लेट्स उसका साल है यकम अप्रैल से लेके 31 मार्च ये होंडा जापान की बात हो रही है होंडा जापान की बात हो रही है यकम अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इसका क्या है जी इसका टैक्सी रही जापान वाली की बात कर रहा हूं ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा ये जापान वाली होंडा का है अब मुझे बताइए पाकिस्तान में होंडा का साल है यकम जुलाई से तीस जून जापान में है यकम अप्रैल से इकतीस मार्च अब ये उस पाकिस्तानी वाली होंडा को कहता है और भाई अपने बारह महीने का डाटा भेजो उन्होंने भेज दिया एकम जुलाई से तीस जून का अब यकम जुलाई से तीस जून का डाटा अप्रैल से इकतीस मार्च वाले में ऐड हो सकता ये तो मिसमैच हो गया तो दोनों चीज़ों का मैच होना चाहिए और भाई ये क्या कर रहे हो मैच करके भेजो यकम अप्रैल से इकतीस मार्च का भेजो अच्छा सर दो महीने चाहिए आसान काम नहीं है सारा कुछ क्लोज करना पड़ता है ऐसे ही कहेंगे अब वो बेचारे क्या करेंगे वो पहले यकम अप्रैल से लेके इकतीस मार्च का डाटा इकट्ठा करेंगे दो महीने लग जाएंगे जून आ जाएगा और जैसे ही जून ख़त्म होगा ना तो फिर टैक्स वालों के लिए यकम जुलाई से तीस जून का डेट इकट्ठा करना शुरू कर देंगे तो साल के पाँच महीने तो यही काम करते रहेंगे ये बाकी सात महीने सोचेंगे गाड़ी बेचनी है कि नहीं बेचनी प्रॉब्लम हो गई होंडा पाकिस्तान ने कहा सर ये क्या मजाक है एक तरफ से उन्होंने तंग किया हुआ है एक तरफ से एफ आप लोगों ने तंग किया हुआ है तो फिर हल तो होना चाहिए ना कुछ क्या टैक्सीयर चेंज कर लिया जाए क्या टैक्सीयर चेंज करने करके इसके साथ मैच कर लिया जाए क्या हम पाकिस्तान में भी अपना टैक्स ईयर यकम जुलाई तीस जून से चेंज करके क्या रख सकते हैं जी यकम अप्रैल से लेके 31 इकतीस मार्च तक कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आपको मैंने पॉइंट थ्री में हल्की सी झलक दिखा दी है ओके तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं बिल्कुल चेंज कर सकते हैं मसला क्या है जी मसला है ये बीच में जो टाइम पीरियड बना यानी कि अगर डेट्स लिखी जाए उन्नीस से तीस जून बीस उसके बाद इसके बाद शुरू होगा यकम जुलाई बीस से लेके क्या बनेगा इकतीस मार्च इक्कीस ऐसे ही है और ये आगे बनेगा यकम अप्रैल इक्कीस से लेके इकतीस मार्च बाईस अब आपके सामने तीन फेज आ गए ठीक होगी बात ओके अब आइए जरा डेफिनेशन पे अब देखें चीजें कैसे क्लियर होती हैं वो कहता है जी द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स मैं नॉर्मल टैक्स ईयर की बात कर रहा हूं बारह महीने का पीरियड होगा और एंड हो रहा होगा तीस जून को मेरे ख्याल में जो इतना पोर्शन है इतना पोर्शन इसकी दो खसूसियात हैं क्या क्या खसूसियात हैं ये बारह महीने का है, है? है बारह महीने का और दूसरी खसूसियत क्या है एंडिंग ऑन थर्टी जून ऐसे ही है तीस जून को खत्म हो रहा है बारह महीने का है तो भाई जो साल बारह महीने का हो और तीस जून को खत्म हो रहा हो उसको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्सी ठीक होगी बात ओके अब आइए जरा इस पीरियड पे इसकी भी दो खसूसियात हैं पहली खसूसियत क्या है जी बारह महीने का है, है बारह महीने का हमेशा बारह महीने का होगा और दूसरी खसूसियत क्या है जी एंडिंग ऑन एनी डेट अदर देन तीस जून किसी भी डेट पे एंड हो सकता है बस तीस जून पे नहीं होगा क्योंकि तो तीस जून पे अगर हुआ ना तो वहां फॉल कर जाएगा तीस जून के अलावा तीन सौ चौंसठ दिन बनते हैं साल के तीस जून में ला लें तो तीन सौ पैंसठ तीस जून निकाल लें तीन सौ चौंसठ तीन सौ चौंसठ दिन में से किसी भी दिन फॉल कर सकता है ये ऐसा साल जो कि बारह महीने का हो और तीस जून के अलावा किसी भी डेट पर खत्म हो रहा हो उसको कहा जाता है स्पेशल टैक्सी जिसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़नी अभी हम पढ़ते हैं ओके और तीसरा बेचारा बेजर सा साल आता है जो कि नॉर्मल से स्पेशल पे जाए या कभी स्पेशल से नॉर्मल पे जाए तो यह साल आएगा ही आएगा इसकी एक ही खसूसियत होती है ऑलवेज लेस देन 12 मंथ्स ये हमेशा 12 महीने से कम होगा ये कभी 12 माह का नहीं हो सकता एक दिन कम होगा लेकिन 12 बारह महीने से कम होगा 11 महीने उनतीस दिन हो सकते हैं 12 नहीं हो सकते ये में ऐसे टैक्स ईयर को कहा जाता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ओके तो तीन तरह के टैक्सियर आपके सामने आ गए एक नॉर्मल टैक्स ईयर आ गया एक स्पेशल टैक्स ईयर आ गया और एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आ गया ठीक है जी अब आइए जी इनकी तारीफें पढ़ते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर की हम पढ़ चुके मैं फिर पढ़ देता हूं द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स ये टैक्स ईयर बारह महीने का पीरियड होगा एंडिंग ऑन तीस जून जो कि तीस जून को एंड हो रहा है आज के बाद इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाएगा एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द थर्टियथ जून फॉल्स और ये उस कैलेंडर ईयर से डिनोट किया जाएगा जिसमें तीस जून गिरती है ओके ये बात आपके साथ हो चुकी है बात करने वाली है स्पेशल टैक्स ईयर की वेयर अ पर्सन इज अलाउड अगर किसी शख्स को इजाजत दे दी जाए और पॉइंट नंबर थ्री में मैंने आपको बता दिया है कि इजाजत लेनी पड़ती है अभी वो पॉइंट हमने पूरा करना है ओके okay? अगर किसी शख्स को इजाजत दे दी जाए किस चीज की इजाजत दे दी जाए टू यूज अ ट्वेल्व मंथ्स पीरियड क्या आप बारह महीने का ना टाइम पीरियड इस्तेमाल कर लें कौन से बारह महीने डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर से डिफरेंट बारह महीने सच पीरियड अब ये जो बारह महीने होंगे ना शेल बी दैट पर्सन टैक्सीयर अब वो उसके टैक्सीयर बन जाएंगे ओके ओके हेयर एंड आफ्टर रेफर टू है स्पेशल टैक्सीयर और आज के बाद इसको स्पेशल टैक्सीयर बोला जाएगा तो सर वो नॉर्मल टैक्सीयर है और यहाँ पर जब आपने इजाज़त ले ली हुकूमत से कि मुझे बारह महीने डिफरेंट अलाउ कर दें तो फिर यह बारह महीने स्पेशल टैक्सीयर कहलाए जाएंगे ठीक होगी बात एंड शेल बी डिनोटेड और इनको डिनोट कैसे किया जाएगा बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स क्या बोला इसमें सर अंग्रेजी में कितने नंबर थे आपके एफ एस सी में किसकी इंग्लिश एग्जाम थी एफ सी पी आर सी में कोई तर्जमा कर सकता है इसका एनी वन हु कैन डू ट्रांसलेशन कोई भाई साहब जो तर्जमा कर सकें डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टेक्सट ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टेक्स ईयर फॉल्स एनी वन अंग्रेजी एग्जाम पूछेगा जी जी बताइए टेक्स्ट पहले पढ़ा हुआ है जी पढ़ा हुआ है ओके चले कोई बात नहीं बताइए

तो सबसे पहले आप आए थे मॉडल टाउन नहीं सबसे पहले आप आए थे कॉलेज फिर आप आए थे मॉडल टाउन एंड में आप लाहौर आए थे ऐसे था कि पहले लाहौर आए थे फिर मॉडल टाउन आए थे फिर कॉलेज आए थे ऐसे ही होता है ना तो इसने ये जुमला ना बड़ा उल्टे तरीके से लिखा हुआ है इसने पहले जिक्र कर दिया कॉलेज का फिर इसने जिक्र कर दिया मॉडल टाउन का फिर इसने जिक्र किया लाहौर का तो हमें पहले लाहौर आना है फिर मॉडल टाउन आना है फिर कॉलेज आना है तो हमें इसको रिवर्स पढ़ना पड़ेगा क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्सीयर फॉल्स सर टाइम हो गया और ये जुमला जो है ना ये टाइम ले जाएगा तो मेरे ख्याल में यहीं तक रखते हैं स्पेशल टैक्सीयर ब्रैकेट तक आप इसको क्लोज करें बाकी बात डिनोटेड बाय कि हम कल पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कल हम ये सफ़ा खत्म करेंगे ठीक है ये बात लंबी हो जाएगी नेक्स्ट क्लास भी वेट कर रही होगी ठीक है जी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है ख्याल रखिएगा अला हाफ़